नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। क्षेत्रीय बस स्टैंड में बीती रात आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाए। बंद नहीं अब खुली आंख का सपना बहुत जरूरी है जैसी राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत रचनाओं को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध भी रहे। कवि सम्मेलन में देश प्रदेश के अनेक जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत रश्मि किरण करेली द्वारा प्रस्तुत मां सरस्वती की वंदना से हुई। सतना से आए कवि रवि चतुर्वेदी की रचना तेरा रूठना मनाना गजब हो गया को सुनकर श्रोता लोटपोट हो गए। जयपुर से आए कवि कमल मनोहर के संचालन ने न केवल वाहवाही बटोरी बल्कि राष्ट्रीय भावना पर आधारित उनकी रचना जोरदार रही। मुन्ना बैटरी मनसो ने ठंडे ठंडे दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं अभी अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं जैसी रचनाएं सुनाकर लंबे समय तक श्रोताओं को मान ले रखा। हाथरस से आए 82 साल के कवि पदम अलवेला ने बुढ़ापे में जवानी की कहानियां सुनाकर श्रोताओं को बहुत हंसाया। कवित्री अर्चना अर्चन ने अपनी रचना अगर तुम ना होते तो यह गुलशन नहीं होता का स्वस्व गायन किया। दीपक तिवारी की कविता वरना केवट और शबरी के पावन धाम नहीं होंगे न लोगों से जाति भेदभाव मिटाने की अपील की। कवि सम्मेलन के आयोजक पूर्व MIC सदस्य राजेश बड़गया ने बताया कि पिछले 7 साल से आयोजित इस कार्यक्रम को हर साल और भव्य बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पत्रकार देव शंकर अवस्थी व वीरेंद्र गढ़ेवाल ने बताया कि किसी से आर्थिक सहयोग लिए बिना इस तरह का आयोजन करना क्षेत्र के लिए गौरव का विषय। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरी बात यहाँ तक जहाँ तक पहुँच रही है आप सभी से दुआएं चाहूंगी। चार चार पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, सुनिएगा। ये तड़प कैसी है आँखों में खुमारी क्यों है, ये तड़प कैसी है आँखों में खुमारी क्यों है, मेरी बर्बादी पे नम आँख तुम्हारी क्यों है। पहले स्पीकर ठीक कर लो और पास में पीछे आज हमारे क्षेत्र में होली के चौथ के अवसर पर एक बृहत और विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम पिछले 8 वर्षों से लगातार देश के विभिन्न प्रांतों से सरस्वती के मानस पुत्रों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं जिनकी रचनाएं अद्भुत होती हैं और होली के पर्व की महत्ता को समझाते हुए इतनी शानदार रचनाओं का वाचन मंच के माध्यम से उन रचनाकारों के द्वारा किया जाता है और हमारे क्षेत्र की जनता इस पावन पर्व को उनकी रचनाओं के माध्यम से भरपूर आनंद उठाते हुए पूरा लुप्त उठाते हुए होली के इस पर्व को मनाते हैं। और लगातार 8 वर्षों से जिस तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता ने कवियों को उत्साहवर्धन किया है, आयोजकों को हम लोगों को जो सहयोग प्रदान किया है उस बात के लिए हम उन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम ये विश्वास रखते हैं और हमें ये विश्वास है कि हम अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को हमेशा ही उनकी भावनाओं की कसौटी पर खरे उतरेंगे और हमेशा ये प्रयास करेंगे कि हम देश के और भी महान रचनाकारों को अपने इस मंच पर आमंत्रित करें। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आइए आज शाम को बहुत ही शानदार रस रंग कवियों के संग नामक हमारा जो कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसमें आप सभी आइए। हम सभी आयोजकगण, हम सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं, हम सभी आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।